Hello. So we are going to uh, talking very interesting subject in civil engineering uh, surveying and geomatics. Let me introduce uh, introduce myself. Uh, myself, Indresh Kumar Singh. I am a faculty of civil engineering department, BBD and IIT Lucknow. Okay. So we start today the surveying and geomatics. This is the first lecture of surveying and geomatics. In this subject we will discuss all uh, the parameters related to the surveying and uh, we also discuss about the uh, parameters which are related to any construction sites or any uh, uh, project related to the civil engineering so here we start uh, lecture 1 uh, we will divided uh, the whole slabs in uh, 5 modules and in modules there is a the sub मॉडलर्स दैट इज द लेक्चर्स एंड वी विल डिस्कस इन सेवन और एट लेक्चर्स इन वन यूनिट्स ओके सो हेयर सर्वेइंग सर्वेइंग क्या होती है इस चीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं सर्वेइंग आर्ट है सर्वेइंग इज टेक्निक ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजिशन ऑफ डिफरेंट फीचर्स ऑन एवव और बीनीथ ऑफ द सर्फेस ऑफ अर्थ बाई मीन्स ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट measurement and finally representing them on sheet of paper known as planar map. Okay, so uh, let me explain. Like uh, this is the earth. Okay, earth par कहीं par bhi ek koi points hai Okay, earth पे कोई भी points अगर है आपका तो उस point की relative position आपको बतानी है. Means आप earth पे या अंदर earth नीतार्थ या आपका वार्थ कहीं पर भी कोई भी पॉइंट्स है उसके रिलेटिव पोजिशन बतानी है आप लोगों को ओके जब हम रिलेटिव पोजिशन इन दोनों की फाइंड कर लेंगे किसी भी एक पॉइंट ए की किसी रिस्पेक्ट में वी पॉइंट्स के तो इस ए पॉइंट की रिलेटिव पोजिशन को जब बी पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर फाइंड कर लिया है उसके बाद में क्या करना है इस चीज़ को हमको किसी एक सीट पे तैयार करनी है पूरी डिटेल ओके okay. ये जो आर्ट है कि पूरा सीट पे आपको किसी भी मेजरमेंट को और किसी भी पॉइंट्स की पोजीशन को सीट पे अगर हम ड्रॉ करते हैं उसको प्लान या मैप बोलेंगे मैप को बनाना ये जो एक आर्ट है ये सर्वेइंग है ओके okay. तो सर्वेइंग इज़ द टेक्निक ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजिशन ऑफ डिफरेंट फीचर्स ऑन एवव और विनीथ द सर्फेस ऑफ अर्थ बाई मीन्स ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट एंड फाइनली रिप्रजेंटिंग देम ऑन दीट ऑफ पेपर नॉन एज प्लानर मैप ओके तो सर्वेइंग हो गई है कि आपके जैसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं कोई भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट हो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सर्वेइंग ही करनी पड़ेगी तो so, सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है कि कोई भी सिविल इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट है तो हमको ये पता करना होगा कि वो उसकी क्या पोजिशन है कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है चाहे हाईवे हो रेलवे हो कोई भी प्रोजेक्ट है तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं जो भी पॉइंट्स हैं तो उन सब की पोजीशन क्या है रिलेटिव पोजीशन ओके तो ये सर्वेइंग की जो बेसिक डिफिनीसन है इसमें कई डिफिनिशन्स दी गई हैं तो इंडियन स्टैंडर्ड ने भी सर्वेइंग की अपनी डिफिनीसन डिफाइन की है अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन कांग्रेस ऑन सर्वेइंग एंड मैपिंग जो ए है उसके बेसिस पे भी सर्वेइंग uh, की डिफिनीसन दी गई है तो so, सर्वेइंग क्या होती है उनकी डिफिनीसन जैसे कि ये दिया है कि सर्वेइंग इज द साइंस सर्वेइंग इज साइंस एंड आर्ट ऑफ मेकिंग ऑल इसेंशियल मेजरमेंट्स टू डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजिशन ऑफ पॉइंट्स ओके दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटिव पोजिशन ऑफ पॉइंट्स और फिजिकल एंड कल्चरल डिटेल्स एवोव ऑन और विनीथ द सर्फेस ऑफ अर्थ एंड टू डिपिक्ट डिपिक्टेम ऑन अ यूजेबल फॉर्म और इस्टेब्लिश द पोजिशन ऑफ पॉइंट्स और डिटेल्स मीन्स कि अगर कोई भी सर्वेइंग uh, क्या एक है साइंस है आर्ट है जो हमारा क्या करता है किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड uh, उसके सारे पॉइंट्स को रिलेट करते हैं हम लोग उसके कोऑर्डिनेट्स को बताते हैं उन सब चीज़ों को एक हम सूटेबल फॉर्म में किसी पेपर पे उसको पॉइंट करना उसको वहाँ पे ड्रॉ करना ताकि उसको नेक्स्ट लेवल पे जब भी कोई और अगर उसको रीड करे तो उसके बारे में समझ सकें ये एक आर्ट है एक साइंस है इस चीज़ को हम लोग सर्वेइंग बोलते हैं ओके ड्यूरिंग अ सर्वे ड्यूरिंग सर्वे सर्वेयर्स यूज वेरियस टूल्स टू डू दियर जॉब्स सक्सेसफुली एंड अकॉर्डिंगली सच एज टोटल स्टेशन जी पी एस रिसीवर्स फ्रिज थ्री डी स्कैनर्स रेडियो कम्युनिकेशन डिजिटल लेवल डम्पी लेवल एंड सर्वेइंग सॉफ्टवेयर ओके तो ये सारे चीज़ें हैं कि जब हम सर्वेइंग करेंगे जब सर्वेइंग करनी है आपको तो हमको कई चीज़ों इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी उन सभी टूल्स के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे तो मेनली ये पता चल गया कि अगर आप कहीं पर भी हैं अर्थ पे हैं तो सर्वेइंग जो करनी है आप लोगों को तो सर्वेइंग में क्या करना है कि कोई एक सिटी अगर आप कंसीडर की हो तो उस सिटी के हम सारे पैरामीटर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ये सारा काम एक सर्वेयर को करना होता है तो इस सर्वेइंग सब्जेक्ट में हम लोग पूरा चाहे अर्थ पे हो विनीत द अर्थ हो या हमारा एवोब द अर्थ हो कोई भी चीज़ अगर कहीं पर भी कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है और अगर उस अर्थ पे हमारा प्रोजेक्ट है उसके बारे में उसके सारी डिटेल्स जो है वो आप लोग किसी सीट पर अगर बनाएंगे उसकी पूरी डिटेल्स तो उसको हम सर्वेइंग बोलते हैं सर्वेइंग में और क्या कह सकते हैं आप कि हम अगर किसी भी लाइक अगर पॉलिटिशियन है उसके बारे में अगर आपकी popularity के बारे में जानना है तो क्या करोगे सर्वे करते हो लेकिन सर्वे किससे करते हो कुछ रेफरेंस मानते हो कि हम कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं कुछ एरिया सेलेक्ट करते हैं तो उसी बेसिस पे अगर सिविल इंजीनियरिंग बात करें कि अगर आपको कहीं से रेलवे लाइन अगर ड्रॉ कर रेलवे लाइन बनानी है या कोई हाईवे निकालना है तो सबसे पहले आपको पता करना होगा कि ये किस सिटी से कितना दूर है किस शहर से कितना दूर पर है तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप किसी भी प्रोजेक्ट में सिविल इंजीनियरिंग का कोई भी प्रोजेक्ट होगा सबसे पहले अगर वर्क शुरू होता है उससे पहले हमको ये पता करना होता है कि किस वो जो भी आपका प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे है उसकी क्या पोजीशन है और फिर उस पोजीशन को ही उस पूरी डिटेल्स को अगर हम पेपर पे ड्रा कर दें तो वो आपका सर्वेइंग में हो जाएगा ओके तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन है सर्वेइंग का सर्वेइंग एक सब्जेक्ट है जियोमेटिक्स है उसका तो जैसे कि आप लोगों को और एग्ज़ाम्पल दें आप लोग पढ़ते होंगे देखते होंगे गूगल मैप चेक करते हो आपको हर जगह की पूरी पोजिशन पता रहती है तो वो कहीं ना कहीं सबसे पहले किसी ने उसको ड्रॉ किया उसने पता किया कि इस गली में जाइए उस गली से इस बाएँ मुड़िए तो बाएँ पे तीसरा मकान ये है तो वो सारी चीज़ डिटेल्स पहले पता की गई उसके बाद उसको फिर कहीं सीट पे लिया गया और उसके बाद में फिर आपको ये देखने को मिलता है तो ये सारी चीज़ें क्या है सर्वेइंग में आती हैं ओके तो सर्वेइंग की डिफिनिशन्स जैसे इंडियन स्टैंडर्ड ने दे दिए उसके बाद ए सी एस एम के अकॉर्डिंग टू भी सर्वेइंग की डिफिनिशन्स गिवन है तो अब हम लोग इसका क्या इंपॉर्टेंस है सर्वेइंग का तो इसके बारे में जान लें द नॉलेज ऑफ द सर्वेइंग इज एडवांटेज इन मेनी फेज ऑफ इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग में जो सर्वेइंग है इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है जैसे कि हम अभी बात कर चुके हैं वी विल एक्सप्लेन अर्लियर कि सर्वेइंग uh, सबसे पहले कोई भी हमारा प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उसमें क्या होता है सर्वेइंग की बहुत इंपॉर्टेंट रहती है उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप पे अदर वर्क शुरू होते हैं तो फर्स्ट नेसेसिटी इन सर्वेइंग इज़ टू प्रिपेयर अ प्लान एंड सेक्शन ऑफ एन एरिया टू बी कवर्ड बाय दिस प्रोजेक्ट फ्राम दीज प्रपेर मेप्स सेक्शंस एंड द बेस्ट पॉसिबल अलाइनमेंट्स ओके जैसे कि अगर आपको अर्थ वर्क अदर नेसेसरी डिटेल डिपेंडिंग अपन द नेचर ऑफ प्रोजेक्ट कैन बी कैलकुलेटेड मीन्स आपको सभी कोई भी अगर हमको कहीं मान लीजिए बिल्डिंग्स बनानी है तो बिल्डिंग्स के बारे में हमको पता होना चाहिए कि ये बिल्डिंग हमारी किस डायरेक्शन में होगी कहाँ पे होगी रोड से कितने दूर पे होगी तो वो सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए द प्लानिंग एंड डिज़ाइन ऑफ ऑल सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट सच एज रेलवे हाईवे टनलिंग मैं डैम्स रिजर्व वाटर वर्क सी वेज वर्क एयरफील्ड पोर्ट मैसेव बिल्डिंग्स इट इज आर बेस्ड अपॉन द सर्वेइंग मेजरमेंट्स इस पॉइंट से आपकी ये बात समझ में आ गई होगी कि सर्वेइंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जितना भी कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है ओके सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी वर्क है चाहे आपका कोई सीवरेज हो तो आप पहले उसका सारा प्लान बनाएंगे उसका एक मैप बनाएंगे और किसी भी प्रोजेक्ट का मैप बनाना उसकी डिटेल पूरा अगर हम किसी चार्ट पेपर पे ड्रॉ करते हैं और उसकी पूरी डिटेलिंग करते हैं तो वो हमारा सर्वेइंग में ही आता है और क्या इसका इंपॉर्टेंस हो सकता है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ़ द प्रोजेक्ट ऑफ एनी मैग्नीट्यूड इज कंस्ट्रक्टेड अलॉन्ग द लाइन्स एंड पॉइंट्स इस्टेबलिश बाई सर्वेयर्स द मेजरमेंट ऑफ लैंड्स एंड फिक्सेशन ऑफ इट्स बाउंड्री कैन नॉट बी डन विदाउट सर्वेयर्स द इकोनॉमिकल मीन्स ये वाला पॉइंट है जैसे तो इसमें यह है कि कोई भी पॉइंट्स है कोई भी शहर है तो जब तक आप उसकी बाउंड्री नहीं पता करेंगे आप उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं। तो अगर बाउंड्री फिक्स की है तो हमको पता होने चाहिए कुछ पॉइंट्स जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आपको ये कोई एक सिटी आप बना रहे हैं ओके तो अब यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे होंगे कुछ यहाँ पॉइंट्स होंगे आपने सबसे पहले ये पॉइंट्स बना लिया अब क्या है ये पॉइंट्स आप जो फिक्स करेंगे ग्राउंड पे तो इन पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे ओके तो कनेक्शन के लिए क्या होगा कुछ लाइन्स होंगी ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे अभी कि हम कैसे प्लान बनाते हैं कैसे मैप बनाते हैं ओके तो पहले इंपॉर्टेंस में देख लेते हैं कि हाँ कोई भी शहर अगर डिज़ाइन करना है कोई भी आपका हाईवे वर्क है सीवे सीवरेज है या आपके पोर्ट बनाते हैं तो सभी में ये चीज़ जरूरत होती है द इकनॉमिकल फिजिबिलिटी ऑफ इंजीनियरिंग फिजिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट कैन नॉट बी विदाउट द अंडरटेकिंग सर्वे वर्क अगर आपने प्रॉपर सर्वे नहीं किया है तो कोई भी प्रोजेक्ट हमारा इकोनॉमिकल नहीं हो पाएगा ओके okay, तो आप ऐसा थोड़ी है कि आपने स्टार्ट कर दी कोई भी बिल्डिंग बनाना या कोई भी हाईवे आपको पता चला आपने सुटेबल फ़ाइव किलोमीटर तक आपको पता है कि अगर मैं स्ट्रेट जाऊँ या आपने पहले से ही उसके बारे में सारी जानकारी ले ली तो आपको पता है कि अगर हम सौ किलोमीटर का एक हाईवे बना रहे हैं तो उस हाईवे को बनाने के लिए कितने शहर कनेक्ट हो रहे हैं ओके okay, ये थोड़ी है कि आप बिल्कुल कोई शहर कनेक्ट नहीं हो रहा है आप ऐसे बनाने लगे रोड तो वो आपका इकोनॉमिकल नहीं होगा हम ये भी देखते हैं पूरा सर्वे करते एरिया की कि किस एरिया से कहाँ से हमारा रोड निकलेगा उसमें कितने लोग कनेक्ट होंगे ओके तो वो सारी चीज़ें डिटेल का मैप पर ही बनाना ओके तो ये एक जो आर्ट है साइंस है इसी को हम सर्वे बोलते हैं ये आपका इंपॉर्टेंट है द एग्जीक्यूशन ऑफ़ हाइड्रोग्राफिक्स एंड द ओशियनग्राफिक्स चार्टिंग एंड मैपिंग रिक्वायर्स सर्वे इज़ यूज टू प्रिपेयर अ टोपोग्राफिकल ऑफ लैंड सर्वे ऑन द अर्थ ये सारी चीज़ें जो हैं ये इम्पोर्टेंट है आपका सर्वे के लिए तो बेसिकली आप लोगों ने सीखा कि सर्वे हमारा क्या है एंड क्या इसकी इम्पॉर्टेंट है सर्वे की कोई भी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट वर्क में जब भी आप शुरू करेंगे तो सर्वे की इम्पोर्टेंट क्या होती है ओके सो सर्वे अगर सर्वेइंग की जा रही है तो उसको क्लासीफाई किया गया होगा ओके okay. पहले तो सबसे स्टार्टिंग में मान लीजिए किसी ने ऐसे सब काम शुरू किए फिर धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट हुआ तो लोगों को लगा कि नहीं सूटेबल तरीके से हमको सही ढंग से चीज़ों को करना है तो उसी के बेसिस पे सर्वेइंग जब की गई पहले सारी डिटेलिंग पूरे प्रोजेक्ट की वहाँ सब एक हमने पेपर पे ड्रॉ किया उसको बना लिया उसकी पूरी डिटेलिंग कर ली ओके okay? तो फिर क्लासिफिकेशन हुआ कि अच्छा ओके okay, इस सर्वे को कैसे हम क्लासिफाई करते हैं ओके okay? तो क्लासिफिकेशन जो सर्वे का हुआ है मेनली टू पार्ट में हुआ ओके okay? बहुत अदर uh, पार्ट्स भी हैं लेकिन मेन जो है वो टू पार्ट्स हैं वो आपका प्लेन सर्वेइंग एंड द जियोडेटिक और टोमेट्रिकल सर्वेइंग ओके इन प्लेन सर्वेइंग वाट डेट मीन इन प्लेन सर्वेइंग वी आर नॉट कंसिडरिंग द करवेचर ऑफ अर्थ ओके एंड इन जियोडेटिक वी विल कंसिडर द करवेचर ऑफ द अर्थ ओके समझते हैं कैसे देखिए जैसे कि मान लीजिए ए आर सर्फेस है ओके अब यहाँ पर कोई भी दो पॉइंट्स हैं मैंने बताया कि सर्वेइंग में आपको रिलेटिव पोजिशन निकालनी होती तो अगर मैं प्लम की यूज करूँ बात करूँ तो अगर यहाँ से प्लम वाल डालूँ तो वो अगर प्लम जा रहे हैं दोनों पॉइंट्स में तो देखिए कहीं पर भी वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो अगर इतनी एरिया आपकी जिसमें ये दोनों लाइनें प्लम वाल अगर हम डालते हैं कंसिडर कर रहे हैं जनरली तो अगर वो कट नहीं कर रहे तो वो एक स्मॉल एरिया होगी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ एंड दिस इज़ डन बाई ओनली प्लेन सर्विंग हेयर वी नॉट कंसिडरिंग कर्वेचर ऑफ अर्थ बिकॉज वी नो देर ऑन द अर्थ देर इज द करवेचर एंड इफ़ वी ड्रा अवॉल्व हेयर ओके एंड दिस लाइन एंड फ्रॉम दिस पॉइंट दिस लाइन कटिंग द एनी पॉइंट्स ओके देन दिस एरिया इफ़ वी वांट टू देन वी विल कंसीडर द कर्वेचर ऑफ द अर्थ ओके सो मेनली सर्वेंग क्या है पूरे अर्थ पे हमको अर्थ के ऊपर अर्थ के विनीत या अर्थ पे हमको क्या करना है उसमें सारे पॉइंट्स की कोई भी चीज़ है उसके रिलेटिव पोजिशंस बतानी है और उनको हमको एक सीट पे उनको ड्रॉ करना है मैप बनाना है या प्लान बनाना है वही हमारा सर्वेइंग है ओके तो सर्वेइंग को क्लासिफाई किया गया प्लेन सर्वेइंग एंड जियोडेटिक टिक्नोमेट्रिक सर्वेइंग प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक में क्या डिफरेंस है प्लेन सर्वेइंग में हम जो भी एरिया लेंगे उसको बिल्कुल प्लेन ले लेंगे मतलब उसमें हम कर्वेचर ऑफ अर्थ नहीं कंसिडर करेंगे ये ध्यान रखना है ओके कर्वेचर ऑफ अर्थ नहीं कंसीडर करना है प्लेन सर्वेइंग में जब जियोडेटिक सर्वेइंग करते हैं तो कर्वेचर हमको अर्थ का कर्वेचर कंसीडर किया जाता है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ अगर स्मॉल एरिया है देन प्लेन सर्वेइंग में आ जाएगी अगर बहुत ज़्यादा बड़ी एरिया है जैसे आपको करनी है सर्वेइंग इंडिया टू लेकर अमेरिका या पूरा इंडिया टू चाइना तो हमको क्या करना है कि उसमें जियोडेटिक सर्वेइंग करनी पड़ेगी तो अब इससे दिमाग में ये बात आती है कि कोई फिक्स एरिया डिजाइन की गई है कि नहीं यस yes. ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में आप तैयारी करेंगे उसमें भी पूछा जाएगा तो आप ध्यान रखिएगा कि प्लेन सर्वेइंग जो होगी वो कहाँ पर होगी इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो रहेगा वो 195.5 किलोमीटर स्क्वायर अगर इससे कम एरिया में आप सर्वेइंग कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे प्लेन सर्विंग कंसीडर करेंगे और अगर आप 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा में अगर एरिया है आपकी ग्रेटर देन 195.5 है देन वी विल कंसीडर अबाउट द जियोडेटिक और टिग्नोमेट्रिकल सर्विंग ओके दिस इज द फिक्स वैल्यू इन सम बुक्स देर इज ऑल्सो रिटेन इट इज टू ओके बट इट इज नॉट राइट This is right value, okay? 195.5 नाइनटी फाइव पॉइंट फाइव किलोमीटर स्क्वायर एंड वन किलोमीटर स्क्वायर से अगर कोई वैल्यू ज़्यादा है देन वी कंसीडर द जियोडेटिक और टिमनोमेट्रिक सर्वेइंग और प्लेन सर्वेइंग में क्या होगी प्लेन सर्वेइंग में 195.5 नाइन्टी किलोमीटर स्क्वायर की जो एरिया है उससे हमारा क्या रहे कम रहना चाहिए ठीक तो देखिए अब हमने जैसे अर्थ पे अगर हमने कोई अर्थ का एक पूरा अर्थ बनाया था ये वाला भी मैं आपको आ, आगे डायग्राम में दिखा रहा हूँ तो प्लेन में क्या था कि प्लेन हमने उतनी डिस्टेंस ली थी कि जिसपे हमारा कर्वेचर का इफेक्ट नहीं पड़ रहा था तो क्या हुआ कि हमने प्लम बॉल डाल के देखी तो प्लम बॉल अगर कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो हम समझ गए कि वो हमारा प्लेन में ही रहेगा और अगर वो कहीं प्लम बॉल वो हमारे कट कर रहे हैं किसी भी अर्थ में तो फिर हम समझ जाएंगे कि वहाँ पर जियोडेटिक सर्वेइंग होगी ओके सो एन इन द फिगर जियोडेटिक सर्वेइंग जो एक आपका ये डायग्राम बना है इस डायग्राम में आप देखिए यहाँ पे अर्थ में दिया गया तो पूरे अर्थ की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे कि, कि कट कर रहे हैं अर्थ के इनसाइड की अगर हमको कोई चीज़ चाहिए जानकारी आपको तो ये सब क्या है ये हमारा यहाँ कर्वेचर कंसीडर कर रहे हैं देन वी आर कंसीडरिंग द कर्वेचर ऑफ द अर्थ द टाइप ऑफ सर्वेइंग दैट टेक्स इंटू अकाउंट द ट्रू सेप ऑफ द अर्थ ओके ट्रू सेप आप सभी को पता है ओवल सेप में होती है अर्थ हमारी तो इसके कर्वेचर तो रहेगा आप इस पॉइंट पे हो अगर इस पॉइंट पर हो तो करवेचर रहेगा दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन ओके लीनियर मेजरमेंट नहीं दिस सर्वे और द हाई प्रोसीजन एंड एक्सटेंड ओवर लार्ज एरियाज और ये जब हाई प्रोसीजन के लिए जो वैल्यू चाहिए होती है हमको अर्थ पे कि बिल्कुल एकूरेट आनी चाहिए अर्थ के कर्वेचर को भी कंसिडर करते हुए तो जियोरेटिक सर्वे की जाती है प्लेन सर्वे कैसे होती है जैसा कि एस ऑन इन द फिगर ओके okay, किसी भी अर्थ सर्फेस पे आप हैं और डायरेक्ट यहाँ पे आपको इतने अगर डिस्टेंस आपको कवर करनी है तो यहाँ पे अर्थ के कर्वेचर से कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा ओके द टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच द मीन सरफेस ऑफ द अर्थ इज कंसिडर्स एज अ प्लेन और इन विच इट्स एसोराइडल सेप इज नेग्लेक्टेड विद रिगार्ड टू हॉरिजेंटल डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ओके तो अगर ये चीज़ है आपकी तो प्लेन सर्वेइंग एरिया होगी जैसा कि फिगर में आपको शो कर रहा है एंड जियोडेटिक सर्विइंग क्या होती है आई होप कि आप लोगों की प्लेन सर्विंग और जियोडटिक सर्विइंग समझ में आई होगी तो ये बेसिकली मेन जो थे आपके आपने देखा कि सर्वेइंग ओके okay? ये सर्वेइंग है आपकी और सर्वेइंग को हमने जब क्लासिफिकेशन किया है तो हमने यहाँ क्लासिफिकेशन किया है प्लेन सर्वेइंग एंड सेकेंड इज ओके जियोडेटिक, okay? जियोडेटिक सर्वेइंग लेकिन अब क्या है अब यह, हम जब ये जान जाएंगे कि प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग उसके बाद में फिर हम लोग क्लासीफाई करेंगे प्लेन सर्वेइंग को कई पार्ट में एंड जियोडेटिक को भी कई पार्ट में so, हमारा क्लासिफाई uh, किया जाता है ओके okay, तो प्लेन सर्वेइंग क्या है हमारे हम डिस्कस कर चुके हैं प्लेन सर्वेइंग में जब करेंगे तो इसको करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी ओके okay, उन सभी इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी हमको पढ़ना है एक्सप्लेन करेंगे अभी आगे ओके okay, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि प्लेन सर्वेइंग क्या होती है जैसे प्लेन सर्वेइंग डील विद स्मॉल एरिया ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ एज्यूमिंग द सर्फेस ऑफ लैंड टू बी प्लेन सो करवेचर ऑफ अर्थ इज़ नेग्लेक्टेड प्लेन सर्वेइंग कैन फर्दर वी सब डिवाइडेड इन द फॉलोइंग वेज कैसे कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट देखिए प्लेन सर्वेइंग को किससे बेसिस पे हम कर सकते हैं अगर इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे बात करूं मैं ओके okay? तो प्लेन सर्वेइंग को इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे भी हम अलग अलग डिफाइन डिवाइड कर सकते हैं अगर हम एरिया के बेसिस पे करें तब भी हम उसको अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं मीन्स क्लासिफिकेशन बेसिस ऑन द डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स ओके तो चेन सर्वेइंग में अगर बात करें <kuh> प्लेन सर्वेइंग की तो चेन सर्वेइंग हो गई आपकी ओके उसके बाद में आपकी ट्रवल सर्वेइंग हो गई प्लेन टेबल सर्वेइंग हो गई जो ये देखिए चेन बनी है आपको ओके तो ये इंजीनियरिंग चेन है तो चेन आप लोग सभी लोग जानते होंगे इसको देखा होगा तो ये चेन आप देख लीजिए ओके इसका यूज करके हम प्लेन प्लेन सर्वेइंग आप चेन को यूज करके कर सकते हैं ठीक जियोडेटिक के लिए नहीं होता तो इसमें क्या है देखिए प्लेन सर्विंग तो प्लेन सर्विंग में सबसे पहले चेन सर्विंग है तो चेन सर्विंग के लिए क्या होगा आपको चेन की ज़रूरत पड़ेगी तो चेन्स कौन कौन सी होते हैं उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे पहले एरिया टू बी सर्वेड इज डिवाइडेड टू नंबर ऑफ ट्रेंगल्स द लेंथ ऑफ द साइड्स आर मेजर्स एंड इंटीरियर डिटेल्स रिकॉर्डेड होल आर देन प्लॉटेड ऑन ड्राइंग सीट सूटेबल स्केल्स प्रोड्यूस द मैप अब ये पॉइंट्स जो हैं इनसे आपके समझ में आ जाएगा कि अगर हमने कहीं पर भी कुछ पॉइंट्स अगर किसी भी एरिया के हमने इस तरीके से डिफ़ाइन कर दिए अब क्या होगा आपको इन पॉइंट्स की पोजीशन बतानी है मींस ये डिस्टेंस आपको पता करनी तो हम चेन का यूज करके डिस्टेंस पता कर सकते हैं आफ्टर दैट इस डिस्टेंस को अगर हम बात करें तो चेन के द्वारा हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं इसको भी हम मेजर कर सकते हैं एंड दिस डिस्टेंस दिस डिस्टेंस ये डिस्टेंस हम चेन को यूज करके मेजर कर सकते हैं ओके okay? लेकिन अब होगा क्या कि चेन से हमने डिस्टेंस मेजर कर ली है अगर हमको एंगल्स मेजर करने हैं तो उसके बाद में हमको अलग डिवाइसेस यूज करनी होंगी सेकेंड थिंग्स अब ये जो मेजरमेंट तो है तो इसको हम अपनी सीट पे कैसे ड्रॉ करेंगे ओके okay? ये मेजरमेंट है मान लीजिए ये आपने देखा है कि ये हमारा हंड्रेड मीटर है ओके okay? अब चेन से आपने हंड्रेड मीटर तो मेजर कर लिया लेकिन अब सीट हमारी हंड्रेड मीटर की नहीं होगी ओके okay? तो हंड्रेड मीटर की सीट अगर नहीं होगी तब फिर क्या करोगे इसमें आप लोगों को कि कुछ ऐसे चीज़ होगी क्योंकि सीट पे तो हमें करना ही करना है रिप्रेजेंट यही आर्ट हमारी सर्वेइंग की है कि ग्राउंड की जो चीज़ें हैं उसको एक हमें पेपर सीट पे प्लान बनाना है मैप बनाना है तो कैसे हम ग्राउंड की चीज़ें पेपर तक ले जाएंगे उसके लिए भी हमको कोई ना कोई एक फैक्टर दिया गया होगा तो वो फैक्टर आपका दिया जाता है उसको हम बोलते हैं स्केल तो अगर आपको स्केल पता होगी ओके तो इसका मतलब हमको स्केल के बारे में जानना चाहिए स्केल जब मालूम होगी स्केल पे बेसिस पे ही हम ग्राउंड की चीज़ें उस पर रिप्रजेंट कर सकते हैं ओके तो कैसे स्केल लेते हैं स्केल में ये होती है कि ग्राउंड में अगर मान लीजिए हंड्रेड मीटर है और हमने मान लिया कि पेपर पे वन सेंटीमीटर ओके मेन्स ये हुआ कि वन सेंटीमीटर इक्वल टू हंड्रेड मीटर ओके वन सेंटीमीटर स्केल क्या है स्केल का मतलब ये हो गया है कि जो ग्राउंड पे चीज़ है ओके okay? उसको पेपर पे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो पेपर पे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना है अगर हंड्रेड मीटर है तो हंड्रेड मीटर पेपर पे नहीं हम कर सकते हैं ओके okay? तो हमको क्या करना स्केल लेनी होगी तो स्केल जब आपको लेनी है तो कैसे लेनी है हमको एज्यूम करनी होती है जैसे वन सेंटीमीटर इक्वल टू हंड्रेड मीटर ओके तो स्केल हमारी क्या हो जाएगी स्केल इक्वल टू डिस्टेंस ऑन मैप डिवाइड बाई डिटेंस ऑन ग्राउंड ओके सो स्केल क्या हो गई हमारी वन सेंटीमीटर डिवाइड बाई हंड्रेड मीटर ओके तो वन सेंटीमीटर है अगर यूनिट को हम सेम कर दें तो हंड्रेड में क्या करेंगे हंड्रेड से और मल्टीप्लाई कर दें एक मीटर में कितने सेंटीमीटर सो so, तो हमारा ये भी सेंटीमीटर हो गया कैंसिल तो हमारा एक कॉन्स्टेंट फैक्टर मिल गया आपको ओके okay? तो ये जो कॉन्स्टेंट फैक्टर आपको मिला है तो इसको भी हम एक टेक्निकल टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं और वो टेक्निकल टर्म आपका है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ओके तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है इसको शॉर्ट फॉर्म में आर एफ भी बोलते ओके okay? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका हो गया है आर एफ फैक्टर मीन्स रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर जो आपका है तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया आपका आ, हमारा किसी भी सर्वेइंग के लिए ओके तो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर आपको पता होना चाहिए वो हम क्या जान रहे हैं कि जो हमारी आ, उस पर मैप पे डिस्टेंस है एंड ग्राउंड पे क्या डिस्टेंस है उन दोनों का रेशियो होता है ठीक तो यहाँ पर हम इस चीज़ के बारे में और अभी डिटेल में करेंगे बात तो होल देन ड्राइंग सीट सूटेबल स्केल चेन सर्वे के द्वारा हम पूरी डिस्टेंस मेजर करते हैं और उसके बाद में उसको हम बात करते हैं तो प्लेन सर्वेइंग में जैसे ट्रवर्स सर्वेइंग है द प्लॉट ऑफ द प्लान इज़ इंक्लोज बाई अ सीरीज ऑफ स्ट्रेट लाइन मेकिंग एंगल्स विद ईच अदर जैसा कि हम डायग्राम में अभी बात किए थे इस तरीके से हमारा ये स्ट्रेट लाइन है अगर इन सब पॉइंट्स को हैं तो ये स्ट्रेट लाइंस हैं इनके एनक्लोज हो गया ओके okay? ये एंगल्स हैं ये सारी मेजरमेंट्स हो गई हमारी तो ट्रवर्स एक पूरा फॉर्म करना द प्लॉट ऑफ द प्लान इज़ इंक्लोज बाई अ सीरीज ऑफ़ स्ट्रेट लाइन एंड मेकिंग एंगल्स विद ईच अदर द लेंथ ऑफ लाइन एंड द एंगल्स आर measured एंड प्लॉटेड विद डिटेल ऑन द drawing पेपर suitable स्केल टू प्रोड्यूस द मैप ये हो जाएगा traverse सर्वेइंग में फिर हम प्लेन टेबल सर्वे करते हैं प्लेन टेबल सर्वे ऐसा होता है कि आप बहुत ही सारी चीज़ें आपको ऑफिस में नहीं करनी है डायरेक्ट आपका ग्राउंड पे ये हो जाती है प्लेन टेबल सर्वेइंग्स के द्वारा ओके इसमें होता है तो प्लेन टेबल सर्वेइंग भी अभी डिस्कस करेंगे इसमें क्या होता है एक टेबल पे हम एक पेपर रखते हैं और किसी भी बिल्डिंग के बारे में पूरा मैप उस बिल्डिंग को विदाउट टचिंग कोई भी चीज़ है अगर उसको विदाउट टचिंग हम उसको पूरा आ, बना सकते हैं ठीक ओके okay. तो ये जो प्लेन टेबल सर्वेंग में था आपने देखा यहाँ पे एक चेन देखी है चेन के बारे में आपको पता है अभी हम लोग डिफरेंट टाइप्स की चेन जो होंगी सर्वेइंग में यूज करेंगे तो जैसा कि आपको पता है कि हमें सर्वेइंग करनी है क्या है कि कोई भी पॉइंट्स हैं मेनली आपको यही करना है इन पॉइंट्स की रिलेटिव पोजिशन कैसे फ़ाइंड कर सकते हो स्ट्रेट डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो इस तरीके से आप इनको ज्वाइन कर सकते हो ट्रवर्स बन जाएगा इनके एंगल्स फाइंड कर सकते हो ओके तो ये सारी चीज़ें हमको पता करनी है ग्राउंड से इन सब चीज़ों को पता करने के लिए प्लेन जब सर्वेइंग करते हैं उस समय तो इन सारी चीज़ों को पता करने के लिए हमको डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज करने पड़ेंगे ओके तो जैसे कि अब जियोडेटिक सर्वेंग है जियोडेटिक सर्वेइंग आपको पता है डील्स विद द वास्ट एरिया सो कर्वेचर हैज टू बी कंसिडर्ड वहन सर्वेइंग एक्सटेंडेड ओवर अ लार्ज एरिया मोर देन वन नाइन्टी फाइव पॉइंट फाइव स्क्वायर किलोमीटर

कि अगर हमारे ट्राइंगल्स के फॉर्म में हम बना रहे हैं रेसिपोकल लेवलिंग है आपकी ये होगी जियोडेटिक की टाइप्स में है टेकोमेट्रिक है एस्ट्रोनोमिकल सर्वेइंग है फोटोग्राफिक सर्वेइंग है तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी जियोडेटिक सर्वेइंग में आएगी मैं एक बात करता हूँ आप लोगों से कि अगर मान लीजिए ये प्लेन सर्वेइंग में आपने ट्वेल्व किलोमीटर बात की है ओके और अगर इसी को हम जियोडेटिक कंसीडर करके बात करें तो 12 किलोमीटर में प्लस वन सेंटीमीटर हो जाएगी ये डिफरेंस आता है ये बिल्कुल स्टैंडर्ड वैल्यू है ओके वा ट्वेल्व किलोमीटर्स इफ़ वी कंसीडर वी कंसीडरिंग और वी सर्वेइंग इन प्लेन सर्वे देन इट इज डिस्टेंस इज ट्वेल्व किलोमीटर बट इफ़ वी कंसीडर सेम डिस्टेंस ऑन बेसिस ऑफ द जियोडेटिक सर्वेइंग देन देर इज अ डिफरेंस ऑफ द वन सेंटीमीटर ओके एंड इफ वी कंसिडरिंग लाइक अ टनोमेट्रिक ट्रेंगुलर मीन्स दिस 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 एंड ए बी एंड सी